उनसे मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। आप पीछे बैठे हैं, आपको कंफर्टेबल है गाड़ी? वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मेरे सामने जो इस वक्त आप ये मोटरसाइकिल देख रहे हैं, ये बहुत ही फंकी सी मोटरसाइकिल है। जी हाँ, ये है यामाहा की MT15 वर्जन 2 और इसकी चाबी मेरे साथ इस वक्त है। तो सबसे पहले हम इसको टर्न ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यामाहा ने इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करें जो कि इंडियंस जो है काफ़ी टाइम से यामाहा से मांग रहे थे। बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें कंपनी ने R15 वर्जन 4 वाला नहीं दिया, ये वही नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही MT15 पर ज़्यादा सूट करता है, ना कि वो R15 वर्जन 4 वाला। फ्रंट प्रोफाइल से हम शुरुआत करते हैं तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही ट्रांसफॉर्मर वाला लुक इसमें कंपनी देती है फ्रंट प्रोफाइल में। और जितनी भी MT सीरीज है ना, उसमें ज्यादातर जो डिजाइन है फ्रंट प्रोफाइल का वो बहुत ही एग्रेसिव देती है यामाहा। तो यहां पर आपको LED DRLs, पोजीशन LED DRLs मिल जाती है। ये जो है बाय फंक्शनल आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। इसको हम अभी टर्न ऑन करेंगे तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। जी हाँ, ये जो गोल्डन कलर के आप सस्पेंशन देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं इस मोटरसाइकिल में। और ये वही सस्पेंशन है जो कि इंडोनेशियन मॉडल में आया करते थे। फ्रंट 37mm अपसाइड डाउन सस्पेंशन कंपनी ने इसमें दे दिया है, जो कि बहुत सारे इंडियंस काफी टाइम से इसकी मतलब क्रेव कर रहे थे इस चीज को कि MT15 में अगर ये सस्पेंशन होते तो MT15 एक परफेक्ट मोटरसाइकिल बन जाता। और कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी कंपनी ने करें इसके फिट एंड फिनिश को लेकर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ्रंट डिस्क 282mm की मिल जाती है फ्लोटिंग कैलिपर्स के साथ। जो कलर है अलॉय व्हील का वो बहुत ही शानदार कंपनी ने कलर दिया हुआ है। टायर्स की बात करें तो फ्रंट आपको 100x80 52P की स्पीड रेटिंग वाला टायर देखने को मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर है। और उसके बाद साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो आप ये देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा फंकी सा डिजाइन है। और ये जो है ना, ये लव इट और हेट इट वाला डिजाइन है। कुछ लोगों को बहुत डिसेंट डिजाइन पसंद है, इनफैक्ट मुझे भी डिसेंट डिजाइन पसंद है, पर कुछ टाइम बीइंग के लिए ना मुझे इस टाइप के डिजाइन भी जो है रोड पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और हेड टर्नर महसूस होते हैं। साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं ये जो कलर है ये ग्रे कलर है, और ये ग्रे ग्लॉस ग्रे कलर है जो कि कंपनी ने काफी अच्छा दिया है। कलर स्कीम जो है वही इंडोनेशियन मॉडल वाली कंपनी ने इसमें दे दी है। उसके बाद जो कंपनी आप यहाँ पर गौर फरमाएंगे तो ये जो आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम अलॉय का ही पूरा फुटपेग असेंबली कंपनी ने यहाँ पर दे दी है, जो कि पहले जो है स्टील की आती थी जो कि वेल्डेड रहती थी वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं लगती थी देखने में, बट इसमें जो फिट एंड फिनिश है वो कंपनी ने काफी अच्छा इसमें दे दिया है। पिलियन के लिए कंपनी ने यहाँ पर ग्रैबरल्स दी हुई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल होंगी, और अगर मैं इसको खरीदता तो मैं इन ग्रैबरल्स को जो है पहले ही निकाल देता। रेड प्रोफाइल की हम तरफ चलते हैं तो ये आपको इसमें टेल लाइट देखने को मिल जाती है जो कि काफी खूबसूरत सी है। और जो MT15 का मैं पूरा पहले भी कह चुका हूँ कि डिजाइन जो है वो काफी अच्छा दिया है कंपनी ने, काफी कॉम्पैक्ट सी क्यूट मोटरसाइकिल मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि जो इसकी जो सीट है वो काफी छोटी दी हुई है कंपनी ने। इनफैक्ट यहीं से यह एंड हो जाती है और यहाँ से जो है वो टेल सेक्शन आ जाता है। कहीं कहीं KTM ड्यूक से ये डिजाइन मुझे रिजेंबलेंस में दिखता है। एक चीज आपको और दिखेगी कि कंपनी ने इसमें एल्युमिनियम स्विंग आर्म दे दिया है। जी हाँ, MT15 में पहले बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म आता था, जो कि यामाहा ने बहुत क्लेवर तरीके से कॉस्ट कटिंग करी थी, बट क्योंकि हमारे इंडियंस को हर चीज पता चली ही जाती है तो यामाहा समझ गया कि इंडियंस बिल्कुल भी MT15 को जो है भाव नहीं देंगे जब तक हम इसको सही से तरीके से अपडेट नहीं करेंगे। तो अब तरीके से अपडेट करने की बारी आ गई थी तो यामाहा ने इसमें MT15 में पूरा एल्युमिनियम स्विंग आर्म दे दिया, जिस वजह से इसकी हैंडलिंग जो है अच्छी हो जाएगी। हम चलाएंगे तो आगे बात करेंगे। टायर हगर, साड़ी गार्ड, और यहाँ पर जो है ये आपका मड फ्लैप भी काफी अच्छा दिया है। येलो कलर का जो आपका सस्पेंशन स्प्रिंग है ये भी काफी अच्छा दिख रहा है, अटेंशन टू डिटेल बढ़ा रहा है। सीट की बात करें तो एज यूजुअल MT15 की जो सीट है वो कंपनी ने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है साइज में। और कैसे कर सकते हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि MT15 का कंपनी सीट साइज बढ़ाएगी या नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या आपको लगता है कि कंपनी एक सीट की वजह से पूरा चेसी डिजाइन कंपनी का गाड़ी का चेंज कर देगी? तो ऐसा नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इस गाड़ी का जो चेसी डिजाइन, इसकी जो खूबसूरती है वो इसी में है कि ये छोटी रहे। अगर कंपनी इसको यहां तक बहुत लंबा कर देगी तो फिर वो बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगेगी। तो इस मोटरसाइकिल का जो डिजाइन फिलोसफी है वो इसी टाइप की है। जो सीटिंग वाला जो फ्रेम दिया है कंपनी ने वो पूरा छोटा ही रहा है, कॉम्पैक्ट रहा है। जो मोटरसाइकिल की डिजाइन फिलोसफी है वो कॉम्पैक्ट होने की ही है, और इसकी जो खूबसूरती है वो एक क्यूट मोटरसाइकिल में है, क्यूट एंड कॉम्पैक्ट में इसको कह सकता हूँ। MT15 का जो फुल फॉर्म है वो है मास्टर ऑफ टॉर्क, यानी कि इसमें टॉर्क काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्ट्रीट यूज के लिए डिजाइन मोटरसाइकिल है जिसमें कंपनी टॉर्क अच्छा देती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि इस हिसाब से एक स्ट्रीट यूज मोटरसाइकिल के हिसाब से काफी अच्छा है, डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है इंडियन रोड्स के लिए। इंजन इसमें वही 155cc का मिल जाता है, और जो एग्जॉस्ट है इस पे भी आप ये हीट शील्ड पर देख सकते हैं कार्बन फॉक्स कार्बन फिनिश दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं तो ये 10 लीटर्स का इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इग्निशन में आपको वापस टर्न ऑन करके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो ये नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और वो जो हाई बडी लिखा हुआ आया था उस बडी को जो है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कंपनी ने ऐड कर दी है, जो कि आप मोबाइल से ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, तो वो आपको मिल जाता है, बट इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टॉगल करके देखते हैं तो ये क्लॉक मिल जाती है, लीटर्स पर 100 किलोमीटर एवरेज, लीटर्स पर 100 किलोमीटर एवरेज स्पीड मिल जाती है, ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F। ट्रिप F बहुत से लोग पूछते हैं कब लगती है, ट्रिप F जब लगती है जब आपकी रिजर्व की फ्यूल लाइट जल जाती है, तब ट्रिप F पर आ जाती है ये। तो
कुछ इस तरीके के आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कंपनी ने स्मार्ट करी है, और स्विच गियर कंपनी को इसका चेंज कर देना चाहिए था, जो कि इससे आपको यूज़ होने में टाइम लगता है कि ये इंडिकेटर्स और हॉर्न का जो स्विच है वो कंपनी ने फ्लिप कर दिया है। हालांकि इसमें डुअल हॉर्न कंपनी नहीं देती है। इग्निशन टर्न ऑन करके इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। बहुत ही ग्रंटी एग्जॉस्ट नोट है। फ्रंट प्रोफाइल की लाइट भी जल गई होगी तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसका कैसा लुक आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत सी ये दिख रही है आगे से, बिल्कुल फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। हालांकि कंपनी ने ये इसमें जो है ना हैलोजन इंडिकेटर्स दे के रखे हैं, LED इंडिकेटर्स इसमें एज एन एक्सेसरी प्रोवाइडेड हैं, तो वो जिनको लगवाना हो वो लोग लगवा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस मोटरसाइकिल की जो कॉस्ट है वो काफ़ी आसमान छू चुकी है, क्योंकि यामाहा को अब कोई मतलब कोई ऑप्शन नहीं था यामाहा के पास इसको अपडेट करने के अलावा। तो आपको MT15 का ये फंकी डिज़ाइन कैसा लग रहा है? मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि लव इट और हेट इट वाला डिज़ाइन। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन बताइए, और नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है ये भी बता दीजिए। बाकी इसमें कुछ डिसेंट कलर स्कीम्स भी हैं, जैसे कि ब्लैक आपको मिल जाएगा जिन लोगों को डिसेंट चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि फंकी MT15 जो है फंकी डिज़ाइन स्कीम में ही कलर स्कीम में जो है काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी में कुछ खास चेंजेस नहीं करे हैं, बिल्ड क्वालिटी वैसी की वैसी है, बट हाँ ये जो फिट एंड फिनिश है ये अलॉयज का और ये सब चीज़ों का, ये फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये MT15 जो है ना ये पहले से पुरानी वाली वर्जन 1 MT15 से कंपेयर करें तो ये 10 mm छोटी कर दी गई है, यानी कि ये जो व्हील बेस है ये 10 mm छोटा कर दिया गया है। 1325 mm का टू बी प्रिसाइज इसका व्हील बेस है, और जो पुराना वेरिएंट था उसका 1335 mm का था, तो वो थोड़ी सी लॉन्ग थी, ये थोड़ी सी शॉर्ट है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दी गई है। तो चलिए अब हम इसको राइड करके देखते हैं और आपको बताता हूँ कि आखिर इसके राइडिंग डायनेमिक्स में क्या चेंज हुआ है, हुआ भी है या नहीं है। तो वाइजर डाउन, इग्निशन ऑन, फर्स्ट गियर ऑलरेडी एंगेज्ड है। चलिए सबसे पहला सवाल लोगों का ये रहता है कि क्या पिलियन में पीछे कोई बैठ पाएगा, तो अभी मैं अगर राइड कर रहा हूँ तो पिलियन के साथ ही राइड कर रहा हूँ, तो वो आपका सवाल इतना बड़ा नहीं है, तो उनसे मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। आप पीछे बैठे हैं, आपको कंफर्टेबल है गाड़ी? बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल। अगर मैं कस के क्लच छोड़ दूँ, वीली वीली उठा दूँ तो कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत छोटी सीट है? नहीं नहीं ज़्यादा नहीं। अच्छा मुझसे कोई हेल्दी होगा तो उसके लिए उसको लगेगा। आपसे हेल्दी इंसान को मतलब परेशानी होगी इसमें? लेडीज बैठेंगी? हाँ उनको भी थोड़ी बहुत होगी, जो हेल्दी होंगी उनको होगी। अच्छा कोई लीन है तो उसको नहीं होगी परेशानी? ठीक है, तो सुन लिया आपने, अगर कोई हेल्दी इंसान है वो पीछे बैठेगा तो उसे परेशानी होगी, बाकी ग्रैब रेल्स या बैकरेस्ट टाइप की पीछे कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप पकड़ सकें ढंग से, तो आपको राइडर को ही पकड़ना पड़ेगा, जो कि बेटर फॉर बॉयफ्रेंड्स एज वेल एज गर्लफ्रेंड्स। तो पीछे बैठी हैं तो पकड़ के बैठिए, वरना फिर पीछे ही रह जाइए। चलिए वापस हम वीडियो पे आते हैं। अब हम आ जाते हैं माइलेज की तरफ। तो माइलेज अगर आप मेरा एस्टिमेशन पूछें, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल महंगी, अरे माइलेज कम देगी, तो माइलेज जो है इसका अगर आप अच्छे से चलाते हैं, आपका राइडिंग स्टाइल सही है, क्लच दबाकर नहीं चलाएंगे, क्लच प्लेट नहीं चलाएंगे, हर कुछ रेविंग नहीं करेंगे, तो 45 तक का माइलेज मेरे हिसाब से आपको हंसकर इसमें मिल जाना चाहिए। और ये मेरा एक एस्टिमेट है जो कि अगर आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, और अगर आप खराब तरीके से राइड करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं पिलियन के साथ भी, माइलेज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उन चीज़ों में जो है माइलेज वहाँ पर ऑब्वियसली ड्रॉप आउट हो सकता है, बट अगर सही से मेंटेन्ड है गाड़ी तो माइलेज आपको MT15 से अच्छा मिल जाना चाहिए। मुझे MT15 ना माइलेज की वजह से ही मोस्टली ज़्यादा पसंद है। टर्निंग रेडियस अगर हम इसका देख लें तो टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी अच्छा है, और R15 से तो लाख गुना अच्छा है, कि अगर आपको टर्निंग रेडियस चाहिए तो टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी कम है, तो आप सिटी में इसको ईजिली ना यूटर्न्स कर सकते हैं, ये इसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये अच्छी है कि इसका जो क्लच फील है वो काफ़ी लाइट है, तो क्लच जो है आपको दबाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, इस उंगली से भी मैं दबा सकता हूँ उसका क्लच, तो क्लच जो है वो काफ़ी लाइट है। R15 MT की ये जो अच्छी चीज़ है, मुझे ये काफ़ी अच्छी है लगती है कि क्लच फील जो है इसका काफ़ी लाइट है। इंजन परफॉर्मेंस की हम बात कर लें तो इसमें 155 cc का लिक्विड कूल 4-valve इंजन हमें देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्स पावर 18.4 PS की प्रोड्यूस करता है, और मैक्स टॉर्क 14.1 न्यूटन मीटर्स का, जो इसका टॉर्क है वर्जन 1 के कंपैरिजन में, प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में जो टॉर्क है वो 0.2 न्यूटन मीटर्स बढ़ चुका है, बट उतना ज़्यादा आपको मुझे नहीं लगता कि वो फील होना चाहिए या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली BS6 मोटरसाइकिल हो गई है तो उतनी ग्रंटी ये फील नहीं होती, बट हाँ एग्जॉस्ट नोट जो है वो इसका काफ़ी अच्छा कंपनी ने दिया हुआ है। और इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो वाइब्रेशंस बहुत तरीके से कंट्रोल्ड हैं, बहुत कम वाइब्रेशंस हैं इसमें, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि मोटरसाइकिल कुछ अनयूजुअल से वाइब्रेशंस या इंजन वियर्ड इंजन नॉइजेस दे रही है, तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ कंपनी ने करी। ऑब्वियसली यामाहा इंजन हैं तो वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से इसमें कंट्रोल्ड रहते हैं, इंजन जो है वो काफ़ी रिफाइंड रहते हैं, चाहे आप हाई RPMs की बात कर लें तो इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा चलता है, हाई RPMs पे भी हम आगे चलाकर देखेंगे। इस इंजन में आपको स्लिपर क्लच मिल जाता है, अगर आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करते हैं टर्न पर भी तो जो व्हील है वो स्किड नहीं होगा। अभी जैसे हम फिफ्थ पर हैं तो मैं इसको और थर्ड डाल देता हूँ और सेकंड भी डाल दूंगा, तो एज सच जो व्हील है वो स्किड नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा वो पावर जो है वो एकदम से आपको आके इरीटेट नहीं करेगी व्हील पर, तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ कंपनी ने दी हुई है। अब आप लोग ये कहेंगे कि यार इतनी तारीफ़ें ऐसा कैसे होगा, तो हमारे चैनल पर सिर्फ तारीफ़ें नहीं मिलती, थोड़ा सा जो है हम सब चीज़ों मतलब सच्चाई बता देते हैं,
तो यही हमारी खूबी है कि भाई सच्चाई बताते हैं, इसलिए इतने लोग जुड़े हुए हैं और कमेंट्स कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे ही कमेंट्स मिलेंगे। तो अब इसमें तकलीफ थोड़ी सी ये है कि अब हम आ रहे हैं हाईवे की तरफ, और हाईवे पर जब हम जाएंगे तो मैं थोड़ी सी तकलीफ़ आपको इसकी बताना चाहूँगा। थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ेंगे, अभी हम विथ पिलियन हैं, वेट जो है इस गाड़ी का कम है, 139 kgs का है, तो पावर टू वेट रेशो काफ़ी अच्छा है। विथ पिलियन चला रहा हूँ तो अगर हम हाई स्पीड्स पर चलाते हैं तो ये मोटरसाइकिल उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है, स्पेशली स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में। अगर मैं बहुत सीधे मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ तो ये उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दे पाएगी, मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत हल्की सी फील हो रही है, बहुत छोटी सी फील हो रही है, और मुझे ऐसा कहीं कहीं लगेगा कि गाड़ी जो है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है। इतना ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि मैं बड़ी मोटरसाइकिल्स भी चला लेता हूँ तो हो सकता है मुझे ज़्यादा लग रहा हो, मगर हाँ क्योंकि इसका व्हील बेस पहले से भी कंपनी ने शॉर्ट कर दिया है, चाहे आप एल्युमिनियम स्विंग आर्म दे दें चाहे कुछ भी दे दें, मगर इतने शॉर्टर व्हील बेस के साथ आपको इसका फ़ायदा दे दी है कंपनी ने, ये फायदे के लिए करा है, बट हम इसको नुकसान हाईवेज के लिए बता रहे हैं। इसका जो फ़ायदा है वो आपको सिटी में मिलेगा, सिटी में ये गाड़ी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी लाइट वेट फील होती है, जैसे आप कहीं भी मोड़ लें, कहीं भी लेफ्ट ले लें, राइट ले लें, लेन चेंजिंग कर लें, तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है कि ये लेन चेंजिंग बहुत ईजी कर सकती है, बहुत फ्लेक्सिबल है, और ऑब्वियसली ये स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल है तो कंपनी इसको हाईवेज के लिए नहीं डिज़ाइन करती, कंपनी इसको जो है स्ट्रीट यूज़ के लिए डिज़ाइन करती है। तो स्ट्रीट यूज़ तो इसका बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा, बट अगर आपको हाईवे पर जाना है, क्योंकि हम इंडियंस एक गाड़ी रखते हैं और उसको ऑलराउंडर यूज़ करते हैं, तो अगर आपको हाईवे पर भी जाना है तो आप जो है इससे जा तो सकते हैं, बट वही है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको कम महसूस होगा। थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ा लेते हैं एक बार। हैंडलिंग के मामले में तो MT15 की बहुत शार्प हैंडलिंग है, और अब एल्युमिनियम स्विंग आर्म आ गया है तो एक चेसी में रिजिडिटी आ गई है, तो और ज़्यादा जो है अच्छी हैंडलिंग इसकी हो गई है। VVA टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि अभी हम VVA के नीचे ही चल रहे हैं तो VVA नहीं आ रही है। जैसे ही RPM इंजन RPM ऊपर जाएगा तो ये VVA की भी लाइट चल जाएगी, 7400 RPM के ऊपर आप जाएंगे तो VVA भी इसमें आ जाएगा। कंफर्ट की अगर हम बात करें तो राइडर कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, पिलियन कंफर्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, जो पीछे पिलियन बैठे हैं उनसे ऑलरेडी हमने पूछ लिया है तो वो बता चुके हैं कि हेल्दी लोग अगर बैठेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है वहाँ पर, लेकिन अगर आप लीन हैं और पीछे आपका पिलियन भी लीन है तो आपको कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब किन लोगों को ये ख़रीदना चाहिए मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे आपको सिटी में ना एक अच्छी फंकी मोटरसाइकिल चाहिए और आपको हाई परफॉर्मेंस ग्रंट चाहिए अच्छा, तो इसमें ग्रंट काफ़ी अच्छा है, और अभी मैं विद पिलियन हूँ इसलिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा हूँ जो कि आपको पता है मैं करता हूँ अपनी वीडियोज़ में हमेशा। इसका इंजन जो है काफ़ी अच्छा स्मूथ है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, लॉन्ग राइड्स पर जाना हो तो भी आपके लिए ये जो है लिक्विड कूलिंग काफ़ी फायदे का सौदा रहेगा। यामाहा ने इतने सारे अपडेट्स MT15 में दे दिए लेकिन ब्रेकिंग वही सेम है, सिंगल चैनल ABS मिलता है, और दूसरी चीज़ मुझे MT15 में ना क्विक शिफ्टर की कमी लगती है, क्विक शिफ्टर इसमें होना चाहिए था तो और फन टू राइड मोटरसाइकिल हो जाती है। अभी तो है ही फन टू राइड बट क्विक शिफ्टर होता तो और मज़ा आता। ट्रैक्शन कंट्रोल आई डोंट थिंक 150cc के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट हाँ क्विक शिफ्टर आई क्रेव फॉर इट। बाकी सिटी के लिए अगर आप मुझसे कहें कि मुझे एक हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल चाहिए जो लॉन्ग रूट पर भी चल जाए, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाए और साथ ही आपको जो है अच्छा मतलब राइडिंग डायनेमिक्स भी अच्छे मिल जाए, हैंडलिंग भी अच्छी मिल जाए, और एक वो कहते हैं ना कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, बाकी दूसरी 150cc मोटरसाइकिल्स में इतनी पावर तो है बट लिक्विड कूलिंग नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें आप क्रेव करते हैं अपनी मोटरसाइकिल में, तो MT15 आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। और मुझे तो पर्सनली सबको पता है कि मैं MT15 का एक फ़ैन टाइप का हूँ, मुझे MT15 काफ़ी पसंद है, बट ये है कि आपके लिए सिटी में जो है वो काफ़ी अच्छी है, आपको बिल्कुल अच्छा फील दे देगी, और पसंद इसलिए है क्योंकि माइलेज अच्छा है। अगर आप इससे हाई एंड मोटरसाइकिल्स पर जाते हैं तो कुछ मोटरसाइकिल्स में तो इतनी ही पावर मिलेगी आपको, बट आपको माइलेज के जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, जो कि MT15 में आपको नहीं करना पड़ेगा। सस्पेंशन ट्यूनिंग की बात करें तो फ्रंट अपसाइड डाउन सस्पेंशन की वजह से ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी सी स्टिफर साइड पर हो गई है, बट छोटे मोटे पॉट होल्स तो आपको फील नहीं होंगे जैसे इस टाइप के हैं, बट अब ये जो यहाँ से ये देखना आप, ये फील होगा मुझे, डेफिनेटली फील होगा। तो ये सब चीज़ें आपको फील हो सकती हैं, अगर आप इनको स्लोली कवर कर दें तो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो आई होप सो मैंने पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स MT15 की कवर कर ली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।